If you love me, do you love me? Tell me, do you love me? If you love me, then I love you too. Wah Gujranwala, wah Gujranwala. Kya sama bandha hai aapne? Kya sama bandha hai? ये सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। ओ भाई, ये है असल यूथ पाकिस्तान की, ये असल यूथ जो मेरे सामने बैठी हुई है। क्यों मैं गलत कहता हूं बोलो गुजरांवाला वालों, नौजवानों जरा हाथ खड़ा करके बताओ, असल पाकिस्तान की यूथ ये है या कोई और है? कितने हो जो 30 साल से छोटी उम्र के हो, जरा हाथ खड़ा करो। 30 से कम वाले, 30 उम्र में 30 से कम वाले हाथ खड़ा करो। वो कहते हैं यूथ हमारे साथ है, वो यूथ नहीं, ये यूथ जो असल पाकिस्तानी है, बड़े छोटे का एहतराम करते हैं, माँ बाप की इज्जत करते हैं और गरीबों का ख्याल करते हैं, छोटों को प्यार करते हैं, बड़ों का अदब करते हैं, ये है असल यूथ पाकिस्तान की। और इस यूथ के साथ नवाज शरीफ का दिल धड़कता है। इंशाल्लाह जब तक आपको बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता, नवाज शरीफ चैन से कभी नहीं बैठेगा। अभी शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हमने करप्शन कम की है, और ये हम नहीं कह रहे, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि नवाज शरीफ के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में करप्शन सबसे कम थी। भाई करप्शन सबसे कम नहीं थी, सिर्फ करप्शन सबसे कम नहीं थी, और रोटी की कीमत भी सबसे कम थी। और आटे की कीमत भी सबसे कम थी, और फिर चीनी की कीमत भी सबसे कम थी, घी की कीमत भी सबसे कम थी, पेट्रोल की कीमत भी सबसे कम थी, और बिजली की कीमत भी सबसे कम थी। थी या नहीं थी बोलो? क्या नवाज शरीफ सच बोलता है या झूठ बोलता है? लोड शेडिंग भी हमने खत्म की, और पाकिस्तान से गुर्बत भी खत्म हो रही थी, और डॉलर की कीमत भी सबसे कम नवाज शरीफ के दौर में थी, और स्टॉक एक्सचेंज 54,000 पे चली गई, तरक्की की रफ्तार 6% हो गई। आईएमएफ ने कहा, जब हमने आईएमएफ को खुदा हाफिज कहा तो आईएमएफ कहता है कि जी पाकिस्तान अगर इसी रफ्तार से तरक्की करता रहा तो आइंदा पाकिस्तान को आईएमएफ की जरूरत नहीं होगी। लेकिन देखो शूमिये किस्मत, बस पलवानों, बस ठहर जाओ, बस करो, मन गए तो ही पलवान हो। आज मैं भी पग पाई, क्या करा था? पेट्रोल सबसे कम था, बिजली सबसे कम। और सुनो, मुझे पता है कि आप माशाल्लाह बहुत जोश खरोश है आप में, लेकिन दौर याद करो जब नवाज शरीफ वजीर आजम था तो पाकिस्तान में सी पैक आया,
और पाकिस्तान के अंदर 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही थी और ये धरने कर रहे थे, ये इस्लामाबाद में धरने कर रहे थे। हम काम कर रहे थे, हम बिजली के कारखाने बना रहे थे, हम मोटरवे बना रहे थे। ये शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे बेहतरीन तरक्की के काम किए हैं। ओवरहेड ब्रिज शहबाज शरीफ साहब ने बनाया, ये सारे तरक्याती काम शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे किए। नाम वो मेरा लगा रहे हैं, काम सारे खुद किए हैं और कह रहे नवाज शरीफ ने करवाए हैं। चलें भाई शहबाज शरीफ साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपका शहबाज शरीफ साहब। ये बिजली के कारखाने भी शहबाज शरीफ साहब ने लगवाए थे, मोटरवे भी शहबाज शरीफ साहब बनवा रहे थे। और मैं आपको दावे से कहता हूं, दावे से भाई सुनो, गुजरांवाला वाले मेरे भाइयों सुनो, पहलवानों तुसी भी सुनो मेरी गल, मेरे बदाम ना पिया करो, गल भी सुनया करो मेरी। तो अगर वो दौर रहता और मेरी छुट्टी ना कराई जाती, ये जज जो खुद इस्तीफा दे के जा रहे हैं आज, जो आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज था, वो इस्तीफा दे के घर चला गया। वो जज था जिसने मुझे सजा दिलवाई, सजा दिलवाई, बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई। भाई ठहर जो, नहीं, कोई नारा नहीं भैया, अभी ठहर जो, मेरी बात सुनो जल्दी। आप लेट आए हो, आप इस स्टेडियम में लेट आए हो, और अब हमने मगरिब से पहले हेलीकॉप्टर ने जाना है, तो मैं जल्दी ख़त्म करूंगा। मेरे बाद मरियम नवाज शरीफ ने बात करनी है। तो अगर वो दौड़ रहता, भाई अगर वो दौर रहता, मैं दावे से कहता हूं अल्लाह ताला से डर के, अल्लाह से डरता हूं, अल्लाह से डर के कहता हूं, अगर आज हमारी हुकूमत चलती रहती उस वक्त कोई खलल ना पड़ता, यहां मजमे में कोई एक भी आदमी बेरोजगार ना होता। आज हर एक के पास एक बाइज्जत रोजगार होता, लोग खुशहाल होते, एक दूसरे से उधार ना मांगते होते, अपना गुजारा बड़ी आसानी के साथ कर रहे होते, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं।